अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मीना मंजूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मीना नूर। और होप सो आप सब ठीक होंगे। और इतनी ज़्यादा क्रीम्स जो आपको नज़र आ रही हैं वह इस वजह से नज़र आ रही है कि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो लोशंस हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशंस और फेस क्रीम्स में डिफरेंट क्या है जो हम लोग यूज़ करेंगे सर्दियों में, और हम लोग अपने स्किन केयर की रूटीन कैसे बनाएंगे। ठीक है जी, हम ये सारी इन चीज़ों में डिस्कस करेंगे सारे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम कोई भी लोशन उठा के अपने हैंड्स एंड बॉडी पे लगाने के साथ साथ हम लोग अपने फेस पे भी लगा लेते, तो उससे होता क्या है कि हमारे फेस का कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। अभी जैसे वैसलीन का लोशन है, ये बॉडी लोशन है, इस पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये आपने अपने फेस पर लगाना है। ठीक है, इसको आप देख लो कि यहाँ पर लिखा हुआ हैंड्स पे एंड बॉडी लोशन है फेस करने के। ठीक है, उसी के साथ ये जी निविया का लोशन है, इस पर भी लिखा हुआ है ये भी बॉडी लोशन है, फेस के लिए नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने इसको इस चीज़ का ध्यान रखना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इस टाइम मेरे पास, ओलिविया का भी है, इसके साथ साथ मेरे पास पॉन्ड्स का भी है। ये लोशंस हैं, ये ऐसे लोशंस हैं जो आप अपने नेक से नीचे नीचे सारी बॉडी पार्ट पर लगा सकते हैं, पर आप फेस पर नहीं लगा सकते हैं। इस तरह से ये एक निविया का मॉइस्चराइजिंग लोशन है, इस पर मेंशन है कि फेस हैंड एंड बॉडी। ठीक है, ये आप लोग अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, और ये इस वजह से जहाँ जो फेस पे क्रीम्स लगाने के लिए यूज़ होती हैं वो स्पेशली मेंशन होती है। ये एक डव की क्रीम है, इसके ऊपर भी मेंशन है कि ये फेस एंड बॉडी की है। इसी तरह से ये निविया की एक फेयरनेस क्रीम है, इसके ऊपर भी फेस एंड बॉडी लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जब भी लोशन लेके स्पेशली सर्दियों में इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये भी YSL की मेरे पास है क्रीम, इसके ऊपर भी फेस एंड नेक लिखा हुआ है, जो फेस के लिए होती है उसके ऊपर स्पेशली मेंशन होता है। और ये डॉक्टर रेशल की भी फेस क्रीम है, इसके ऊपर भी स्पेशली मेंशन है कि ये आप फेस पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी हैं कि बॉडी लोशंस जो हम लोग विंटर्स में ले आते हैं और हम अपने फेस पे लगाते हैं तो वो और स्किन हमारी डार्क होना शुरू हो जाती है, जिससे हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, हम तो इतने एक्सपेंसिव लोशन लेते हैं। तो वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि उसके ऊपर स्पेशली लिखा होता है कि वो बॉडी लोशन है। फेस के लिए आजकल जैसे सीरम भी चल रहे हैं, मिराली मिराकल ऑयल बहुत अच्छा है फेस सीरम, इसको आप लोग अपने फेस पे सर्दियों में यूज़ करें। और एक ही क्वेंच है ट्रैवल ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, ये भी फेस के लिए है। ठीक है, इतनी या फिर आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, सीरम जैसे डिफरेंट ब्रांड्स में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लोशंस हैं, बट जस्ट कीप इन माइंड कि वो फेस के लिए हैं तो आप फेस पे लगाएं। ठीक है, इसके साथ अब हम नेचुरल रेमेडीज की तरफ चलेंगे, आप चीज़ें हैं हम लोग फर्स्ट रेमेडी बनाएंगे, उसमें सबसे पहले जो चीज़ें यूज़ हो गई है जी मेरे पास ग्लासरीन। ठीक है, 1/4 कप मैंने ग्लासरीन ले ली है, 1/4 कप ही मैंने रोज़ वाटर लिया है, और 1/4 कप ही मैंने लेमन जूस लिया है, और 3 में विटामिन ई के कैप्सूल जिसमें यूज़ करूँगी। इस तरह से एक आपने ऐसे स्प्रे बॉटल ले लेनी है, वैसे तो ये मार्केट से ईजिली अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं है कोई भी घर में कोई बॉटल ले लें आप, कोई भी सा कंटेनर आप लेके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये सारा जो मिक्सचर हम बनाएंगे वो इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए जी हम पे अब इन चीज़ों को मिक्स करते हैं। रोज़ वाटर में ही मैंने ये लेमन जूस ऐड कर दिया है, लेमन जूस ऐड करने के बाद इसमें मैं अब ग्लासरीन भी डाल दूँगी। ग्लासरीन ऐड करने के बाद अब जो कैप्सूल 3 कैप्सूल जिसमें मैं ऐड कर दूँगी, ऐड करने के बाद आपने क्या करना है इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, मिक्सचर के जो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें ऐड की हैं वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से।
ओके जी, ये सोल्यूशन हम लोगों ने बॉटल में डाल दिया है, ठीक है। आप बॉटल को आप बंद कर लें, आप इसको 1 वीक तक 10 डेज तक आप लोग यूज़ कर सकते हो। कोशिश करें कि आफ्टर वीक हो या 10 डेज के बाद आप फ्रेश प्लांट को ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। वैसे आप लोगों ने स्प्रे अपने हाथों पे लगाना है और जेंटली मसाज करना है। इसी तरह से ये आप अपने हाथों पे लगाएं, अपने फेस पे लगाएं, अपने पाँव पे लगाएं, तो यह कि आप इसको लगा के दूर में मर जाएँ। आप इसको रात को लगा, रात को इस तरह से आप अपने हाथों का मसाज करें, ऐसे ही अपने पाँव का और फेस पे आप इसको लगाएं। और ये बहुत अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है जिसको हम विंटर में यूज़ करते हैं, और मैं तो स्पेशली ये बना के यूज़ करती हूँ, तो इससे मेरी स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइज रहती है। ठीक है जी, ये हो गई फर्स्ट रेमेडी, बढ़ते हैं सेकेंड रेमेडी की तरफ। नेक्स्ट रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट रेमेडी में हमें क्या चीज़ चाहिए जी, हमें इसमें चाहिए जी हनी। हम इसमें यूज़ करेंगे हनी, और हनी के साथ हम इसमें यूज़ करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस, और ये लेमन है जो स्क्वीज करके मैंने इसी को ही रखी, जिसे हम अपनी स्किन से ये सोल्यूशन लगा के तो रब करेंगे, ठीक है। तो डाल लेते हैं इसको, हम एक छोटा सा आप बॉल सा ले लें या प्लेट सी या छोटी सी वो आप लेके उसमें आप डाल दें। 1 टेबल स्पून आप लोगों ने इसमें हनी ऐड करना है, हनी डाल देना है, और हनी के साथ ही आप 1 टेबल स्पून ही आप इसमें लेमन जूस डालें। जी ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून ही आप इसमें लेमन ऐड करें, और इस सोल्यूशन को आप मिक्स करें। इस सोल्यूशन को आप पहले मिक्स करें अच्छी तरह से कि ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं। एक जान होने के बाद आपने ये जो लेमन है इसी से लगा के आपने स्किन पे, अपने हाथों पे, अपने पाँव पे और अपने फेस पे आपने ऐसे रब करना है। इससे भी हमारी स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइज हो जाती है, क्योंकि हनी ये चीज़ काम करता है, और लेमन हमारे जो स्किन पे जो ब्लैकी सी आ रही होती है या कुछ ऐसा से, तो वो ये चीज़ ख़त्म करती है। इसको ऑलमोस्ट आप अपने हाथों पे 10 से 15 मिनट लगा रहने दें। 15 से 15 मिनट के बाद सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, और एक लाइन सी बनना शुरू हो जाती है हाथों पे, बहुत अजीब से लगते हैं स्पेशली सर्दियों में हाथ। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, वो इसको आप यूज़ करें, ठीक है। और इसके बाद आप अपने हाथ वॉश कर लें। तो ये होगी जी हमारी सेकेंड रेमेडी। तो बढ़ते हैं हम अपनी थर्ड रेमेडी की तरफ, तो देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट टू रेमेडीज़ ऐसी थी जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगी, और ये जो थर्ड वन है ये है कि जो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगी और मॉइस्चराइज भी करेगी, ठीक है। ये भी चीज़ सर्दियों में आप लाजमी करें। इस चीज़ में पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये है जी मेरे पास कोकोनट ऑयल जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये है जी राइस फ्लोर, ठीक है, और ये है हमारे पास एलोवेरा जेल, ठीक है। अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इन चीज़ों में है कि अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है तो आप ऐसे करें कि चीनी देखिए आप उसको ग्राइंड करके तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक
रखी थी, आप लोग उसको यूज़ करें और वो भी एक्सफोलिएट करेगी आपकी स्किन को। तो आप हम ऐसे करते हैं, इन चीज़ों को मिक्स करते हैं जी। ऑलमोस्ट आप लोगों ने ये 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर ले लेना है और 1 टेबल स्पून ही अभी मैं इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी, और अगर मुझे और चाहिए हुआ तो मैं इसमें और भी डाल लूँगी। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर दूँगी। इनको अच्छी तरह से आप इनको मिक्स करें इन चीज़ों को। आपके पाँव पे, आपके फेस पे, ये बिल्कुल ये वो चीज़ डेड स्किन से उतार देगी और बहुत मॉइस्चराइज कर देगी, बहुत सॉफ्ट स्किन इससे हो जाती है क्योंकि कोकोनट ऑयल है इसमें। स्क्रब करके और इसको भी आप 10 से 15 मिनट के लिए अपने हाथों पर रखें और 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको वॉश करें। ठीक है जी, ये मैंने अपने हाथ आप वॉश कर लिए और इसको इतने स्मूथ और इतने सॉफ्ट हो गए मेरे हाथ। और ये भी है जी लोशन, हवा का लोशन देखिए, कोई भी लोशन होते हैं मजे का, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का डिमांड रखना पड़ता है। आप लोगों की भी है स्किन, जिससे ये अब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ भी होगी है और जितनी डेड स्किन थी एक्सफोलिएट होके वो सारी उतर गई मेरे हाथों से। ये हैं जी विंटर्स की रेमेडीज जो कि आप लोगों ने यूज़ करनी है विंटर्स में और अपनी स्किन को आप लोगों ने करना है मॉइस्चराइज और हो जाएगी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ। ठीक है जी, ये हो गया हमारी विंटर की स्किन केयर रूटीन। तो मुझे दीजिए यहाँ पे इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।